नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। 12वीं पास एक व्यक्ति एक दिन ट्रेन से यात्रा कर रहा था। उसे ट्रेन के डिब्बे में एक डॉक्टर की डिग्री मिली। भारत में जहां अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए क्रेजी हैं, यह व्यक्ति भी शायद डॉक्टर बनने की हसरतें पाले हुए था। इस देश में डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? डॉक्टर की डिग्री। यह डिग्री अब उसके पास थी, लेकिन डिग्री हालांकि उसकी नहीं थी। उस व्यक्ति ने अपना नाम बदल लिया और उस नाम को अपना लिया जो डिग्री पर था। मान सिंह बघेल डिग्री मिलते ही रातों रात डॉक्टर मनोज कुमार बन गया। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे इस देश में मान सिंह की डॉक्टरी चल निकली। आगरा में क्लिनिक खोला, 9 साल तक क्लिनिक चलाया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 5 महीने पहले राजस्थान के सीकर में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती निकली। 12वीं पास डिग्री धारी राम सिंह बघेल ने अप्लाई किया, लेकिन अपने नाम से नहीं बल्कि डॉक्टर मनोज कुमार के नाम से। किस्मत अच्छी थी, अस्पताल ने रख भी लिया। 1 लाख रुपए की सैलरी मिलने भी लगी। फर्जी डॉक्टर एक दिन में लगभग 25 मरीजों को देखता था। 5 महीने में उसने लगभग 2000 से ज्यादा मरीजों को देखा। एक दिन एक महिला अपना इलाज कराने आई और डॉक्टर की पोल खुल गई। कहते हैं ना कि चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। इस डॉक्टर की भी पकड़ी गई। महिला दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए आई थी। फर्जी डॉक्टर ने महिला को ट्रिप चढ़ा दिया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि फर्जी डॉक्टर ने ये काम पहले नहीं किया था। वह अधिकांश मरीजों को पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवाएं लिखता था। गंभीर मरीजों को पहले ही किसी और अस्पताल में रेफर कर देता था, लेकिन इस बार अस्पताल प्रशासन को शक हुआ और चोरी पकड़ी गई। थाना प्रभारी हैं रानौली के पवन चौबे, उन्होंने बताया, यहाँ के प्राइवेट अस्पताल ने लगभग 4 महीने पहले एक वैकेंसी निकाली कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। एक आदमी डिग्री और वोटर आईडी के साथ आया। उसने अपना नाम मनोज कुमार बताया। वह आगरा का रहने वाला था। क्वालिफिकेशन और डिग्री के आधार पर उसे प्रति महीने 1 लाख रुपए की सैलरी पर रख लिया गया। हाल ही में अस्पताल के मालिक को डॉक्टर की डिग्री पर संदेह हुआ। इसके बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई। पता चला कि डॉक्टर तो सिर्फ 12वीं पास है। अभी हाल ही में उनसे चिकित्सालय के जो अधिकारी थे, जो उसके मालिक थे, उनको इसकी डिग्री पर शक हुआ। उसमें ये पता चला कि जिसके नाम से डिग्री ले रखी थी वो जो वोटर आईडी थी वो फर्जी है। ये एक्चुअल में उसका नाम मान सिंह बघेल था, जो कि उसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, जिसने एक मनोज कुमार नाम के जो कि सरकारी डॉक्टर है जिसका पलवल में हॉस्पिटल है, उसके नाम से डिग्री लेकर के फर्जी तरीके से इसने 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से 4 महीने तक भुगतान प्राप्त किया। हमने अभी उनको 3 दिन के रिमांड पर लिया था, जिनको अपडेशन करवा दिया है। लेकिन ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें इस गिरोह के सरगना तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिस डॉक्टर की डिग्री खो गई थी उनका नाम मनोज कुमार है, हरियाणा के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि डॉक्टर मनोज कुमार 2005 में बस से कहीं जा रहे थे, उस दौरान उनका बैग गुम हो गया। इस बैग में उनकी डिग्री के अलावा कई अन्य डॉक्यूमेंट थे। वह मानसिक रूप से परेशान रहे। उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट निकलवाए। पलवल में अब खुद का अस्पताल चलाते हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। उनकी डिग्री पर फर्जी तरीके से नौकरी करने की जानकारी मिली तो वह सीकर पहुँचे और पुलिस को अपनी आप बीती बताई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि अगर बैग 2005 में गुम हुआ था तो फर्जी डॉक्टर को डिग्री 5 साल पहले ट्रेन में कैसे मिली। बहरहाल आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और अगर अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए।